हाँ जी भाइयों, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ दोस्तों, पांच ऐसी एसेंशियल चीजें जो इन समर्स में हर एक लड़के के पास होनी चाहिए। बिना इन चीजों के भाइयों आपको एक्ने, पिंपल, रैशेस, बॉडी में टैनिंग, फेस पे टैनिंग। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी वीडियो होने वाली। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहला जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है बॉडी वॉश। देखो मेरे भाइयों, बॉडी वॉश के अंदर साबुन से कई गुना अच्छी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि दोस्तों साबुन हमारी स्किन को बहुत ज्यादा क्या करता है, ड्राई करता है। नहीं, बॉडी वॉश ना दोस्तों नरिश करता है हमारी स्किन को। बॉडी वॉश के अंदर मेंथोल होता है जो ठंडक प्रोवाइड करता है, कूलनेस देता है। साथ ही साथ भाइयों, बॉडी वॉश के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं भाइयों, जो हमारी स्किन में पिंपल्स, एक्ने को, पसीने को आने से रोकते हैं, उसके बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसीलिए बॉडी वॉश आपको इन गर्मियों में लगाना बहुत ही जरूरी है, और बरसात में भी। अब आप लोग देखो, मैं जिम कर रहा हूं, आप बहुत सारे भाई स्कूल कॉलेज जाते हो, वहां से आते हो, पसीना आपकी बॉडी पे रह जाता है, साबुन उतना नहीं निकाल पाता। तो इसीलिए दो टाइम अगर आप दिन में बॉडी वॉश से नहाओगे, आपकी जो बॉडी की हाइजीन है ना वो प्रॉपर रहेगी। और साथ में दोस्तों एक लोफा, ये जो आता है ना जूना जिसे बोलते हैं, इससे बॉडी वॉश यूज करो, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी से जो मैल होगा वो भी निकलना चला जाएगा। सेकंड जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है हमारा टेलकम पाउडर, यानी पाउडर जो हम अपनी बॉडी पे यूज करते हैं। और पाउडर क्या करता है, चीजों को ड्राई करके रखता है, तो पसीना वगैरह कम आता है वो कहीं। अब भाइयों आपको लगता होगा कि जो पाउडर होते हैं बहुत महंगे आते हैं, भाइयों 150, 200, 250 रुपए में ना आपको बढ़िया से बढ़िया पाउडर मिल जाएंगे। और ये दोस्तों आप दिन में दो बार यूज करो, अपने नहाने के बाद अंडरआर्म्स पे लगा लो, बॉडी पे लगा लो, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगा लो, जिससे भाइयों आपको पसीना कम आएगा, ड्राइनेस वहां पे बनी रहेगी, और जिसकी वजह से दोस्तों आपको रैशेज, खुजली वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट आता है हेयर स्टाइलिंग पाउडर। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि गर्मियों के टाइम पे ना स्वेटिंग आने की वजह से हमारा जो हेयर स्टाइल है सही से नहीं बन पाता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, और भाई वो बिगड़ जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वैक्स लगा लूं, जेल लगा लूं, लेकिन बहुत झंझट है, चिपचिपापन होता है, और जैसे आप धूप में जाते हो सारा हमारे माथे पे आने लगता है, और स्किन की प्रॉब्लम्स, माथे पे एक्ने वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और मैं भी इसे पर्सनली यूज कर रहा हूं, मैनकोड का हेयर स्टाइलिंग पाउडर, जिसे ना कोई चिपचिपापन होता, और इससे बहुत ही इजीली हमारे बाल थोड़ी ही देर में सेट हो जाते हैं। ये आपको इंस्टेंट वॉल्यूम और स्टाइलिश लुक के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग होल्ड देता है, टिल 24 आवर्स विद मैट फिनिश के साथ। मेरे भाइयों, ये हेयर स्टाइलिंग पाउडर मेरे उन सारे भाइयों के लिए बेस्ट है जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, और भाइयों जिनको होल्ड काफी देर तक अपने बालों में चाहिए होता है, लेकिन उनके बालों में होल्ड नहीं आता, वॉल्यूम नहीं आता, उनके बाल पतले है, सेट नहीं होते, तो वो इसे यूज कर सकते हैं, और काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। तो बस आपको अपने ड्राई बालों में इस पाउडर को अच्छे से स्प्रेड करना है हर साइड में, जैसे मैं कर रहा हूँ, और बस उसके बाद अपना हेयर स्टाइल बना लो। आप अपनी फिंगर से या हैंड से अपने बालों को सेट कर सकते हो। तो भाइयों मैं तो इसे यूज कर ही रहा हूँ, आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और फर्स्ट कमेंट मैंने पिन कर दिया है, जाके फटाफट से बाय करो। फोर्थ जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है फेस पैक। देखो भाइयों, गर्मियों में इतना ज्यादा पसीना आता है, ऑयल हमारे फेस पे आता है, अगर हम दोस्तों वीकली अपनी स्किन का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अपनी वीकली अपनी स्किन को अच्छे तरीके से दोस्तों पैम्पर नहीं करेंगे, तो हमारी स्किन डल पड़ सकती है, काली पड़ सकती है, उसकी टोन जो है स्किन की वो खराब हो सकती है। नाउ दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे मार्केट में फेस पैक आते हैं नीम वाले, नीम भाइयों इन गर्मियों में सबसे बेस्ट है। उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी। कुछ नहीं करना भाइयों, मुल्तानी मिट्टी लेनी है आपको, उसमें दूध डाल देना या पानी डाल देना, और हफ्ते में दो बार इसे लगाना शुरू कर दो। देख लो भाइयों, पूरी गर्मियों में ना आपकी स्किन तरोताजा बनी रहेगी, और सबसे बड़ी चीज भाइयों आपकी स्किन में डलनेस नहीं आएगी और टैनिंग नहीं होगी। और लास्ट जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है टैनिंग रिमूवल पैक। अब भाइयों देखो, टैनिंग के जो बहुत सारे किट आती है मार्केट में जो अवेलेबल है भाइयों, बहुत महंगी होती है, और उनसे इतने अच्छे खासे रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही घरेलू बढ़िया नुस्खा बताने वाला हूँ, जो कि आपकी टैनिंग को फटाफट से रिमूव कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, बेसन लेना है, बेसन एक कटोरे में लो, और भाइयों उसमें दूध डाल दो, उसे हल्का सा गाढ़ा रहने देना, और इसे अपने फेस पे लगा दो। फेस पे लगाने के बाद जैसे वो हल्का हल्का सूखने लग जाए, उसे आपको अपने फेस में घिसना है, ताकि उसकी भाइयों लोई बन जाए, और आपको अच्छे से अपने फेस पे उसे घिसना है, बिल्कुल हल्के हाथों से घिसना, ज्यादा जोर मत लगाना वरना स्किन खराब हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको अपने फेस पे उसे रब करना है। वो जो बेसन के अंदर आप देखोगे इतना कालापन निकलेगा ना, वो आपकी सारी गंदगी, टैनिंग, मैल आपके फेस से बाहर खींच के निकाल देगा। हफ्ते में एक दिन करना, मैं कह रहा हूँ 3 दिन तक तो आपके स्किन में ही चमक रहेगी, कि लोग आपको टोकेंगे कि भाई तू अपने फेस पे लगा क्या रहा है, करके देखो भाइयों। तो भाइयों आज से इन गर्मियों में इन पांचों पॉइंट्स को फॉलो करो, और भाइयों याद रखना वो मैनकोड का हेयर स्टाइलिंग पाउडर लेना ना भूले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है, बहुत ही बढ़िया हेयर स्टाइलिंग पाउडर है भाइयों, यूज करके देखना। मैं मिलता हूँ भाइयों आपको नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, जय श्री राम, दुआओं में याद रखना।